दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस फिलिप्स BT3203 ट्रिमर। हालांकि अगर हम बॉक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा बॉक्स यहां पे दिया हुआ है, डेट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इस बॉक्स के अंदर में हमें और क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी ये आपको आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnavi.com, हर दिन सीखो कुछ नया। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी को कंफर्म कर दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस ट्रिमर को हमने आप ही जैसे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन परचेस किया है बस रिव्यू करने के लिए। तो आप सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस ट्रिमर को ऑनलाइन खरीदना ही चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेस कर लीजिएगा, जहां से ये ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम में मिल जाएगी और थोड़ी सी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। आप चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस फिलिप्स BT3203 ट्रिमर की अनबॉक्सिंग। तो जैसे ही हम बॉक्स को यहाँ पे खोलते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल, जहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइन दिए हुए हैं ऑन हाउ टू यूज दिस ट्रिमर। इसके अलावा इस बॉक्स पे आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल, जिसके हेल्प से आप अपने ट्रिमर को इजीली चार्ज कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है एक क्लीनिंग ब्रश, जिसके हेल्प से अपने ट्रिमर में फंसे हुए बाल को आप इजीली क्लीन कर पाएंगे। एंड एट द एंड आपको मिलता है ये फिलिप्स BT3203 ट्रिमर। सो गाइस, ये रहा हमारा फिलिप्स BT3203 ट्रिमर। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इट इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में काफी कमाल का लुक लग रहा है इस ट्रिमर का। अगर ट्रिमर की बैक हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे इस ट्रिमर का मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है, जो कि है BT3203। इसी के साथ साथ ये जो ट्रिमर है आउटपुट वोल्टेज सपोर्ट करता है वो है 4.3 वोल्ट विथ 0.5 वाट। एट द बॉटम आपको मिलता है द चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पे आप चार्जर कनेक्ट करके इस ट्रिमर को इजीली चार्ज कर पाएंगे। इस ट्रिमर में टोटल आपको मिलता है 11 सेटिंग, तो जो मिनिमम सेटिंग है वो है 0.5 mm। इसी तरह आप जैसे जैसे इस रोटेटर को घुमाएंगे आप ट्रिमर की सेटिंग चेंज इजीली कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम सेटिंग है इस ट्रिमर का वो है 10 mm, इससे ज्यादा आप इस ट्रिमर की सेटिंग को बढ़ा नहीं सकते। तो ऑल टोटल आपको इस पे 11 सेटिंग देखने को मिल जाती है। एट द टॉप आपको मिलता है इस ट्रिमर का कॉम्ब, और कॉम्ब का जो कलर दिया हुआ है वो है ब्लू, तो काफी यूनिक से कलर कॉम्बिनेशन इस बार फिलिप्स वालों ने यहाँ पे चूज किया है। ट्रिमर की कॉम्ब को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, मेक श्योर आप अपने ट्रिमर के सेटिंग को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाए, जो कि है 10 mm। उसके बाद आप इस कॉम को हल्का सा ऊपर की ओर पुश कर देंगे तो देखिए कॉम जो है बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर हम कॉम की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका कॉम भी कम्प्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही देखने को लग रही है। रही बात इस ट्रिमर की ब्लेड, तो इस ट्रिमर में आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील ब्लेड, और ब्लेड की क्वालिटी भी एज ऑफ नाउ देखने में काफ़ी सही लग रही है, सेम एज अदर फिलिप्स BT सीरीज ट्रिमर। अगर आप इस ट्रिमर के ब्लेड को खोलना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, बस ट्रिमर के ब्लेड को आपको हल्का सा ऊपर की ओर पुश करना है लाइक दिस, एंड डेट्स ऑल, बड़े आसानी से आपका ट्रिमर का ब्लेड बाहर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका फिलिप्स BT3203 का ट्रिमर का ब्लेड दिखता है। ट्रिमर के अंदर देखें तो बस आपको मिलता है एक मोटर, जिसकी हेल्प से आपके ट्रिमर की ब्लेड रोटेट होती है और आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाते हैं। अब चलिए जानते हैं इस ब्लेड को दोबारा हम इस ट्रिमर में किस तरह से फिक्स कर पाएंगे। ट्रिमर के ब्लेड को फिक्स करना बहुत ही आसान है, बस आपको ट्रिमर के ब्लेड को यहाँ पे इस तरह से रखना है और हल्का सा पुश कर देना है लाइक दिस, और बड़े ही आसानी से आपका ट्रिमर का ब्लेड यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब चलिए जानते हैं ट्रिमर की कॉम्ब को हम किस तरह से अटैच कर पाएंगे। ट्रिमर की कॉम्ब को अटैच करना भी बहुत ही आसान है, बस आपको इस होल में इस कॉम को यहाँ पे लगाना है और हल्का सा पुश कर दीजिए, एंड डेट्स ऑल, बड़ी आसानी से आपका ट्रिमर का कॉम यहाँ पे अटैच हो जाता है और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से अपना सेटिंग एडजस्ट करके आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। इसके अलावा ये रहा इसका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, जिसको ऊपर की ओर स्लाइड करते ही ये ट्रिमर ऑन हो जाता है। तो चलिए हम इसको एक बार ऑन करके दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा शोर करता है।
सो गाइस अगर हम नॉइस की बात करें तो काफी ज्यादा नॉइस करता है ये ट्रिमर एज कम्पेयर टू अदर फिलिप्स ट्रिमर, तो काफी शोर करने वाला ये ट्रिमर है। रही बात इसकी चार्जिंग टाइम की, तो भाई चार्जिंग टाइम इसका टोटल 10 आवर्स 10 घंटे कंप्लीट चार्ज करेंगे तो आपको 45 मिनट्स की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। मानता हूँ चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, तो भाई फिलिप्स का जो भी आप लो बजट वाले ट्रिमर लेंगे उसका मिनिमम चार्जिंग टाइम 8 to 10 आवर्स होता ही है और आपको इसलिए 45 मिनट्स की बैटरी बैकअप मिल जाएगी। तो ये तो हो गया चार्जिंग टाइम का बात। इस ट्रिमर में मुझे एक चीज़ की कमी लगी, वो है चार्जिंग इंडिकेटर। इस ट्रिमर में कहीं भी चार्जिंग इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता नहीं चलेगा ये ट्रिमर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। इन द सेम टाइम इन्होंने चार्जिंग इंडिकेटर दिया है चार्जर में, तो जैसे आप इस ट्रिमर को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो आपका ट्रिमर की चार्जर में एलईडी ग्लो होता है, तो आपको चार्जर को देख के अंदाजा मिल जाएगा कि ये ट्रिमर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। डेट्स ऑल, तो यही था आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस ट्रिमर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही परचेस कीजिएगा, जहाँ से ये ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम में मिलेगी और थोड़ी सी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी। तो भाई लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर देना। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।